अगर आप एक नया आईफोन ले रहे हो आपका पोपट ना हो जाए, इससे मैं बचाता हूँ। ये वाला असली है, ये नकली है। ऑनलाइन भाई कहीं जगह ऐसे एडवर्ट चलाते हैं भाई, आईफोन लगता है आपको ऑफर में चल रहा है भाई, 10,000, 20,000, 40,000 का मिल रहा है भाई, आप तो खुश जाते हो, वाह मजा आ। और ये जो 1-to-1 कॉपी होते हैं इतने ज्यादा तगड़े हैं कि काफी सारे लोगों का पोपट बन रहा है। तो हमने ऐसी एक वेबसाइट से एक नकली आईफोन मंगाया ताकि आप लोगों के साथ ये दुर्घटना कभी ना हो। आपको स्कैम से बचाने के लिए हमने खुद के साथ थोड़ा सा स्कैम कर लिया। वो थैंक यू, लव यू गाइज। भाई ये सब ना पूरा चाइना का है। ये वाला है 10,000 रुपए का फेक आईफोन और ये है 1,50,000 रुपए का असली आईफोन। अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो भाई आप ज्यादा फर्क भी नहीं पहचान पाओगे। पकड़ने में देखने में दोनों में सेम टू सेम लग रहा है भाई। पर मैं आपको बता दूं भाई असली और नकली का फर्क आपको कैसे चेक करना है, चार्जर में भी और फोन में भी। ये है 2,000 रुपए का एप्पल चार्जर और ये है 500 रुपए का चार्जर। भाई मार्केट में बहुत सारे फेक चार्जर आ रहे हैं और ये चार्जर में आप डिफरेंस भी नहीं बता पाओगे। हाथ में पकड़ने में दोनों सेम फील होते हैं, पीछे की साइड पे भी सेम लगता है, वेट भी सेम है। भाई मैं नहीं बता पा रहा डिफरेंस। भाई अगर मेरे को पता ना हो कौन सा असली कौन सा नकली, मैं तो कंफ्यूज होऊंगा। और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, काफी सारे लोगों को फेक चिपकाए जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता, वो असली समझ के यूज करते रहते हैं क्योंकि डब्बा अब्बा भी सेम होता है। हमारी टीम से अतुल भाई का पोपट बन गया था, मैं उनकी स्टोरी सुनाता हूं। भाई क्या हुआ, ऑफिस आके चार्ज किया तो गर्म हो रहा था, फिर हमारी टीम ने टेस्ट किया तो पता चला कि नकली है। कर दीजिए लड़ाई हुई है। फेक या रियल अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको एक सिंपल सी चीज करनी है। आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट BIS केयर के ऊपर जाना है, उसमें आपको चार्जर का आर्क नंबर डालना है। इसके बाद आपको यहां से पता चल जाएगा भाई चार्जर असली है या नकली। ये बहुत सिंपल सी चीज है बट इससे आपको पता चल जाएगा किस कंपनी ने चार्जर बनाया, यानी चार्जर अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं। और अगर BIS नंबर गलत दिखा रहा है तो इसका मतलब वो चार्जर ही बिल्कुल ही वो फेक है, मतलब वो इलीगली इम्पोर्ट हुआ। अगर आपको भी सेम आता है भाई लड़ाई झगड़ा करो वापस जाके। ये वाली वेबसाइट वैसे इलेक्ट्रॉनिक सारे आप चेक कर सकते हो उससे। तो भाई चार्जर ऐसी छोटी चीज का भी फुल टू कॉपी बना दिया गया है। एंड खाली चार्जर नहीं, वॉच, फोन, एयरपॉड्स, केबल सब का कॉपी है। मैं इन दोनों के बीच में सारे छोटे छोटी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। दूर से अगर आप बॉक्स देखो दिखने में एकदम सेम टू सेम लगेगा। फेक में राइट साइड में कोई भी इन्फो नहीं है बट रियल वाले में अच्छी खासी इन्फो है। रियल बॉक्स में वॉलपेपर फेड नहीं होता है और फेक वाले में फेड होता है। फेक में सार वैल्यू और सर्टिफिकेशन होती ही नहीं है, ये इलीगली इम्पोर्ट कराया जाते हैं, कहां सर्टिफिकेशन मिलेगी इनको गवर्नमेंट। फेक वाले में अगर आप देखोगे तो फॉन्ट भी अलग है एंड अलाइनमेंट भी सही नहीं है। एंड में इस फोन को पूरा खोल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या नकली चीजें लगा रखी हैं एंड सारा असली सच निकाल देंगे। सबसे बड़ा फर्क जब आप डब्बा खोलोगे, फेक वाले में भाई स्लोली स्लोली नहीं खुलता, ऐसे एक बार में खुल जाता है, जो रियल वाला है उसमें एकदम स्मूथली खुलता है। और अगर फोन नहीं है तो भाई झटके से खोलना पड़ेगा। बॉक्स खोलने के बाद भी छोटे छोटे डिफरेंसेस, जैसे फेक वाले में कैमरा का जो कटआउट है वो ज्यादा गहरा नहीं है, फेक में केबल भी ऊपर की साइड पे है और पुस्तक नीचे की साइड पे, रियल में उल्टा। इसमें सर्कल ऊपर है, इसमें सर्कल नीचे। और एक्चुअल अगर आप टेक्सचर देखोगे असली वाले में पूरा पेपर का बनाया हुआ है, यानी रिसाइकलेबल है, एंड ये वाला पूरा प्लास्टिक। एक चीज और, फेक वाले में एप्पल स्टिकर नहीं, फोन बना दिया स्टिकर भी बना देते। फेक वाले में आपको आईफोन पे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा, असली वाले में एक पेपर का स्क्रीन प्रोटेक्टर है आगे भी पीछे भी। रियल में पर्पल वेरिएंट के लिए भाई बॉक्स में चीजें भी पर्पल हो, मैं क्या मजा आ गया भाई। सबसे क्लियर अगर आपको पकड़ना है फेक वाले के अंदर, डब्बे में जो IMEI नंबर होता है भाई वो फोन से मैच नहीं होता। बेसिकली जो IMEI नंबर होता है स्मार्टफोन के आधार कार्ड की तरह होता है, हमारा आधार कार्ड होता है, हमारी आइडेंटिफिकेशन नापी जाती है उससे, इसकी कुंडली नापी जा सकती है भाई उससे। फोन पे अगर आपको चेक करना है IMEI नंबर *#06#, या अगर आप डायल करते हो आपको IMEI नंबर मिल जाएगा कि आपको चेक करना है डब्बे में एक्जैक्टली सेम हो। भाई दूर से अगर आपने ऐसे हाथ में पकड़ा भाई बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, पकड़ने में ज्यादा डिफरेंस नहीं फील होता। फ्रंट में भाई दिखने में देखो पूरा वॉलपेपर भी सेम आता है भाई, डायनेमिक आइलैंड भी डाल रखा भाई फेक वाले के अंदर। और बैक साइड में भी भाई वही 3 कैमरे का सेटअप, एप्पल का लोगो है, ग्लास भी काफी सिमिलर फील देता है, इवन बटन भी सेम टू है, अलर्ट स्लाइडर भी है, नीचे के साइड पे लाइटनिंग कनेक्टर से चार्ज भी होता है भाई। ये चाइना में पता नहीं क्या क्या बन रहा, कुछ भी। ये वाला असली आईफोन, ये वाला नकली आईफोन, देखते हैं कितने लोग पहचान पाते हैं। माय लेफ्ट वाला, ये वाला फेक लग रहा है, ये रियल है, ये रियल है, फेक ये वाला रियल वाला है। कौन सा रियल है कौन सा फेक है? ये फेक है, ये रियल है। ठीक है, लेफ्ट वाला फेक है। नहीं आपने चेंज यही था करना था भाई, दोनों ही रियल लग रहे हैं मेरे को तो भाई। जी असली है भाई, ये वाला फेक है, ये वाला रियल है भाई। आधे लोगों को फेक का पता भी नहीं चला बट मैं मेक श्योर करूंगा आपको फर्क बहुत अच्छे से बता रहे हैं। फेक में अगर आप हाथ में पकड़ोगे तो लेंसेज आपको भाई देखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई ये थोड़ा सा ना
आउट है इसकी, एक आंख थोड़ी सी इधर है, एक आंख थोड़ी सी इधर है। रियल वाले में तीनों लेंसेज सेम सेम से फील होते हैं। फेक वाले में फ्रंट में अगर आप नोटिस करोगे बेजल्स बहुत ज्यादा मोटी है। डायनेमिक आइलैंड है बट भाई मोटापा बहुत ज्यादा है, इसने खाना पीना खूब तगड़ा खाया। साइड वाइड का तो फिर भी इतना नहीं पता चलता बट नीचे की तरफ तो भाई अच्छी खासी मोटी बेजल है। फेक वाले में डायनेमिक आइलैंड भी थोड़ा मोटा है, ये टेक्स्ट भी कट रहा है और जो छोटी छोटी डिटेल्स होते हैं ऐसे आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो हल्की सी वाइब्रेशन होती है। फेक वाले में इसको प्रेस एंड होल्ड करने में कोई वाइब्रेशन नहीं। फेक वाले में अगर आप सिमट्रे निकालते हो तो वो प्लास्टिक की है। फेक वाले का अगर साइज हल्का सा ये छोटा है और डिस्प्ले भी थोड़ा छोटा है। 10,000 वाले में वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है। ऑफ कोर्स भाई इतने कम प्राइस में वायरलेस चार्जिंग कैसे डाल पाएंगे। और पीछे की साइड पे लाइडार की जगह मम्मी की बिंदी लगा रखी है, मजाक है, कुछ काम ही नहीं करता भाई लाइडार सेंसर। बाहर से तो भाई 1-to-1 कॉपी बना दिया, मतलब किसी को अगर मैं दूर से ऐसे पकड़ के बैठा हूं किसी को पता नहीं चल पाएगा मैं नकली पकड़ा। बिल्ड में भी कंजूसी नहीं करी हुई भाई, साइड पूरा ये भी मेटल है, बैक साइड भी ग्लास है, जो यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश है यहाँ पे मैट फिनिश है भाई, पूरा कॉपी का रखा है। और फ्रंट में भी हल्का सा अगर आप बेजल भूल जाओ तो भाई पूरा सेम टू सेम है भाई, जो फॉन्ट है ऊपर मेन्यू है नीचे बटन है सब कुछ कॉपी भाई। ये तो वाली बाहर बाहर डिफरेंस, अगर मैं अंदर भी खोल के दिखाऊँ तो और अच्छे से पता चले। सॉफ्टवेयर में अगर मैं खोलूँ तो वो थोड़ा सा टच करने में जिटरी है, ऐसा लग रहा भाई आईफोन के बेटे का बेटा है, मैं बहुत स्लो थोड़ा सा जिटरी फील होता है। ये जो नया बंदा खरीदा है इसने पहले कभी आईफोन यूज नहीं करा वो नहीं पकड़ पाया। ऑफकोर्स मैं 120 Hz नहीं है, फेक टच करने पे भी भाई इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है। इसके अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, एक LCD डिस्प्ले, तो फील होता है टच करके। भाई आईफोन का टच वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्सिव टच डिस्प्ले में से एक माना जाता है, इस चीज को तो कॉपी करना इम्पॉसिबल है। और ये जो एप मेन्यू भी है ये फेक iOS की स्किन है, ये है बाहर से देखने में आईफोन लगे बट है एक एंड्रॉइड फोन। बेसिकली एंड्रॉइड को ऐसा दिखने में कस्टमाइज करके बनाते हैं कि पूरा ही आईफोन लगता है। ये भी एक एंड्रॉइड पे बनी हुई कस्टम रॉम है जिसको एकदम चेंज कर रखा है, एकदम iOS की तरह दिखती है। कोई भी एक डेवलपर अगर मेहनत करे तो चीज को बिल्ड कर सकता है, मैंने पर्सनली भी करी भाई। जब इसको खोल के देखेंगे ना तभी इसके अंदर का असली सच पता चलेगा भाई। इतना बेकार है, इतना फेक है कि बीच वीडियो में बंद भी पड़ गया था। फेक आईफोन ऑन ही नहीं हो रहा है, उसकी अब वीडियो कैसे बनाऊं मैं इसकी? उसकी गलती नहीं है भाई, वो फेक है, उसका काम है बंद होना। मैं थोड़ा तो कम दिखा देता है। आज तो चल गया है भाई, ये सब ना पूरा चाइना का है ये, क्योंकि मेरे को इसमें दिख रहा है ना यहाँ पे देखो सारा चाइनीज सिस्टम अंदर लिख रखा है। सिंगल टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट वेस्ट क्यों कर रहा है? रीसेट दी फोन कर दो भाई, रीस्टार्ट दी फोन, नहीं रीस्टार्ट तो होगा भी नहीं। कहाँ आई टेस्ट, रुक जा, क्लियर EMMC ना। इसमें बंद हो गया था एकदम से, अब इसका मूव नहीं हो रहा था खुलने। मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ पी लिया। चल गया, तू सारे बी रोल ले ले, चल गया सारे बी रोल ले ले भाई। मेरा नाम ऐसे ही धुआं टेक बर्नर था, मैं बचपन से तो ये करता रहा हूं। मैं चला दिया मैंने भाई, तू छुमत भाई छुमत, चला दिया भाई लैंग्वेज दूसरी। बट अब कंटिन्यू करते हैं भाई, इस हद तक गए ऐप स्टोर तक नकली बना दिया भाई। मेरे को तो लगा प्ले स्टोर खुल जाएगा, प्ले स्टोर भी नहीं खुल रहा भाई, पूरी मेहनत करी हुई है भाई। ऐप स्टोर में आपको कोई भी एप्पल की एप्स नहीं मिलेंगी, तो ऑफ कोर्स समझ जाना भाई। फेक में ऑफ कोर्स एक चीज कॉपी नहीं कर पाएंगे, वो है सिरी। सिरी की जगह आपको वॉइस कंट्रोल मिलता है जो गूगल के फोन के अंदर आता है, दिखने में ही आपको पता चल जाएगा नकली है भाई। ये देखो छोटी छोटी चीजें, जैसे ये जो ये होता है ना इसको ड्रैग करने वाला होता है, ये तक नकली करा हुआ भाई। ये भी तगड़ा लग रहा है, ये भी आईफोन में असली सा आता है। और इसमें एक चीज और है, अगर आप इसमें ना ऊपर भी अगर आप स्क्रॉल करोगे ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसको मैं टैप एंड होल्ड कर रहा हूँ, ये भी सेम लग रहा है यार। ब्राइटनेस में आप ट्रू टोन ऑन करो कि ऑफ करो कुछ होता ही नहीं भाई। ट्रू टोन तो छोड़ो, आईफोन ही ट्रू नहीं है भाई। कैमरा अगर आप खोलोगे फेक आईफोन में एक ही लेंस के ऊपर रहता है, चाहे आप इसको 0.5x दबाओ, 2x दबाओ, 3x दबाओ, ये सेम ही लेंस से आपको रिकॉर्डिंग करेगा। 0.5x 1x में कोई फर्क ही नहीं आएगा भाई। जो 10,000 में ऑफ कोर्स आपको अच्छी फोटो नहीं मिलेगी, इनकंसिस्टेंट बेकार क्वालिटी की फोटोज मिलती है, तो बिल्कुल मजा आता नहीं। तो भाई फाइनल अल्टीमेट टेस्ट इसमें एप्पल खुद कंफर्म कर देगा कि ये फेक है कि असली है। सेटिंग्स में जाना है भाई, वहां पे आपको जनरल पे क्लिक करना है, सीरियल नंबर आपको वहां से कॉपी करना है, एंड आपको इस वाली एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाना है। वहां पे जब आप अपने नंबर को पेस्ट करोगे आपका फोन वहां पे दिखा रहा है तो इसका मतलब भाई कंप्लीटली असली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है भाई, आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर वहां पे आपको अबाउट सेक्शन में जाना है। मॉडल नंबर पर अगर M लिखा है इसका मतलब ब्रांड न्यू है। कभी कभार भाई पुराने आईफोन भी चिपका दिए जाते हैं भाई नए बता के, तो इसमें N है इसका मतलब है इसका पार्ट रिप्लेस हुआ है, और F है इसका मतलब ये रिफर्बिश्ड आईफोन है। तो भाई आपको बस M वाला एक्सेप्ट करना है, बाकी सब बाय बाय टाटा, ये मतलब आपका पोपट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है भाई, सेटिंग्स में जाके आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। यहाँ पे
ट्रू टोन नहीं होता है। और सेटिंग्स में जाके अगर आप बैटरी पे भी क्लिक करते हो तो अगर नया है तो बैटरी हेल्थ 100% होगी। फेक वाले में आपको एनिमोजी है, AR वाले जितने फीचर्स हैं, फेस ID है, ये कुछ नहीं मिलेगा। और रियल वाले में आपको लेटेस्ट ओरिजिनल iOS मिलेगा। वेंकी भाई। हाँ भाई। फोन की इन डेप्थ टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसको। हाँ ठीक है। भाई फोन ऑन है, देखो रिस्टार्ट हो गया भाई। डिस्प्ले। थैंक यू भाई, अब तुम्हारा फोन भी तोड़ दूँ। क्या बात कर रहे हो आप भाई, कर दी भाई कुछ ज्यादा ही इनडेप्थ टेस्टिंग। अंदर देखो ना, अंदर बहुत है भाई, ने तो पूरी ही टेस्टिंग तगड़ी कर दी यार। ओहो ये देखो, ये सबसे पहली चीज तो इसका कांच ही नकली है। मैं इसको हल्का से मारूंगा ना तो ये टूट जाएगा। एक दो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। इसके ना पार्ट्स भी कभी कभार अलग अलग मंगाए जाते हैं, जैसे बैटरी अलग से मंगाई जाती है। इसमें आप नोटिस करोगे BIS.gov.in, ये तो पूरा इंडिया का लग रहा है कि भाई इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बताया, बट ऐसा नहीं है। ये जो एक्चुअल सर्टिफिकेट है ये खाली बैटरी का है। इस बैटरी को किसी अलग चीज के लिए मंगाया जाता है, बताया जाता है कि भाई हम नहीं, ये तो खिलौने में लगाएंगे, इसी में लगाएंगे। और बैटरी की सर्टिफिकेशन ले ली जाती है एंड फिर इसको इस आईफोन में नकली लगाया जाता है। तो इस नंबर को आप इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाके अगर आप देखते हो तो आपको इसकी असली सच पता चल जाएगा किसके लिए एक्चुअली इसको मंगाया था। इसके बाद जो आप कैमरे के सेंसर में उठाऊ ना, तो ये देखो कैसे लगा रखे हैं, ये अलग सी फेविकॉल से चिपका रखे हैं। मैं बैटरी भी अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊँ ना, तो देखो कि अंदर ये बेकार सा लगा रखे हो। 3M यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये भी पूरी नकली है। इसके अंदर जैसे मैंने खोल के देखा, सारी चीजें सस्ती पड़ी हैं। जो केबल्स हैं ये केबल्स थोड़ी सी फेक सी लग रही हैं, ये भाई गोल अलग अलग सी चीजें हैं। 3M की टेप भी, ये भी नकली है। फोन के अंदर जो टेप लगाई है ना वो तक नकली डाल रखी है भाई, सोचो कितना नकली है फोन। यहाँ पे देखो मेटल पे, ये देखो स्क्रैच भी आ गई। इस पे लिख भी देते हैं फेक, लिख देते हैं फेक, लिख दिया भाई मैंने। ये वाला स्मार्टफोन हमारा जाएगा कचरे के डब्बे में एंड आई होप जितने भी ऐसे फेक स्मार्टफोन्स हैं वो भी जाए। ये फोन है बिल्कुल भी रिलायबल नहीं, हमारा बीच में चलना बंद हो गया था एंड इसमें कोई फीचर नहीं चलता, आपकी फोटोज बेकार आती हैं। इस सेम प्राइस में अगर आप एक्चुअल एक स्मार्टफोन लेने जाओगे आपको बेटर चीजें मिल जाएंगी। तो ना ये प्राइस के लिए सही है, ना शो ऑफ के लिए सही है। दो दिन के शो ऑफ के लिए कहाँ आप अपने 10-15 हज़ार रुपए खराब करोगे। इससे बढ़िया एक चलने वाला अच्छी कंपनी का स्मार्टफोन ले लो एंड अगर आपको भी कोई फेक स्मार्टफोन मिलता तो आप भी रिपोर्ट कर सकते हैं, बट खरीदने से पहले भाई चेकिंग जरूर करें। तो हाँ भाई, इतने थे इस वाली वीडियो के लिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली।